खाने के फौरन बाद लेटना नहीं है, रात को लेट खाना नहीं खाना, और अगर कोई किसी टाइम की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें ताकि ये रिफ्लक्स, सीने में जलन का इशू बहुत कम हो। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन जमान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और हेपेटोलॉजी अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ, और मैं अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन चुगताई मेडिकल सेंटर लालक चौक में करती हूँ। आज हम एसिड रिफ्लक्स के बारे में बात करेंगे। ये एसिड रिफ्लक्स क्या है? हमारी खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक जंक्शन होता है जिसे कहते हैं लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। आम तौर पे वो जंक्शन बंद रहता है, लेकिन बहुत से रीजंस की वजह से अगर वो थोड़ा लूज़ हो जाए तो मैदे का एसिड और खाना जो मैदे के अंदर होता है वो खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन, सीने में जलन स्टार्ट हो जाती है। इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। जब ये एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो और एसिड मैदे से खुराक की नाली में आता है तो उसमें क्या क्या अलामत हो सकती हैं? एक तो सीने में जलन हो सकती है, खाने का जायका मुंह में आ सकता है, मुंह में कड़वाहट महसूस कर सकते हैं, इसके साथ सीने में दर्द हो सकती है, पेट फूला फूला महसूस कर सकते हैं, ज़्यादा डकार आते हैं, हिचकियाँ ज़्यादा आ सकती हैं, उल्टी की कैफियत होती है, और कुछ केसेस में ज़्यादा गला भी ज़्यादा ख़राब रहता है, कान नाक और छाती के इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, और कुछ केसेस में अस्थमा का अटैक यानी दमे का अटैक भी हो सकता है। एसिड रिफ्लक्स की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, क्या क्या वजूहात हैं? सबसे कॉमन कॉज है एक कंडीशन जिसको आमतौर पे हायाटल हर्निया कहते हैं। इससे मुराद ये है कि आपका मैदा अपनी जगह से थोड़ा ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से मैदे का एसिड खुराक की नाली में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है और एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पेट भर के खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, खा के फौरन लेट जाने से, और स्पेशली रात का खाना बहुत लेट खाने से रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, ओवरवेट है, तब भी रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ खाने के साथ कुछ स्पेसिफिक खाने हैं जिससे रिफ्लक्स का प्रॉब्लम एग्रेवेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसमें तमाम स्पाइसी खाने, मिर्चों वाले खाने, ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें, इनके साथ बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है। इसके अलावा ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी रिफ्लक्स हो जाता है। अल्कोहल का यानी शराब नोशी की वजह से भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कॉज है एसिड रिफ्लक्स का, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, हामिला हैं, तब भी रिफ्लक्स का इशू बहुत होता है। इसके अलावा कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से भी सीने में तेजाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें पेन किलर्स शामिल हैं, एस्प्रिन, ब्रूफिन, और ब्लड प्रेशर की दवाइयों की वजह से भी सीने में जलन ज़्यादा हो जाती है। एसिड रिफ्लक्स या सीने में जलन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। इसमें आप ये चेंजेस कर सकते हैं कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना ना खाएं, आप स्मॉलर फ्रीक्वेंट मील्स ले लें, बट ओवर ईटिंग ना करें। खाने के फौरन बाद लेटना नहीं है, रात को लेट खाना नहीं खाना, और अगर कोई किसी टाइम की एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें ताकि ये रिफ्लक्स, सीने में जलन का इशू बहुत कम हो। ऐसी खुराक जिससे एसिडिटी ज़्यादा होती है उसको ना इस्तेमाल करें, जैसे कि ऐसे खाने जिसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा हों, ऑयली खाने या खाने का फैट कंटेंट, गोश्त वगैरह, ये चीज़ें कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप सिगरेट करते हैं तो आप सिगरेट नोशी ख़त्म कर दें। अल्कोहल का यूज़ ना करें, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल ना करें। कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो फिक्स हो और उसकी वजह से आपको जो एसिडिटी है वो ना हो। आपका अगर वज़न ज़्यादा है तो लो कैलोरी डाइट और एक्सरसाइज करके आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। किसी ऐसी दवाई जिसकी वजह से आपको रिफ्लक्स हो रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो दवाई चेंज करें या वो उस दवाई को बंद करें, ताकि ये एसिडिटी का, जलन का प्रॉब्लम आपका कंट्रोल किया जा सके। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस से आपके सीने में जलन कंट्रोल ना हो तो आपको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ आपके टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे पीएच मॉनिटरिंग,
मैनोमेट्री, बेरियम स्वॉलो और ज़रूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी भी की जा सकती है। कुछ दवाइयाँ भी हैं जिससे एसिडिटी, रिफ्लक्स कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ कैप्सूल होते हैं जिससे मैदे में एसिड जो बनता है उसको उसकी प्रोडक्शन को कम किया जाता है। और कुछ एंटासिड्स भी आपको दिए जा सकते हैं जिसके साथ आपका रिफ्लक्स कंट्रोल हो। अगर आपको मैदे का कोई भी इशू है, सीने में जलन, एसिडिटी, पेट में गैस हो जाना, अल्सर की तकलीफ़, लूज मोशंस, कॉन्स्टिपेशन, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।